स्वागत आप सभी का मुराड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक करंट अपडेट की जो कि हाल ही में खबरों में रहा है। तो आई होप दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं उस करंट अपडेट के बारे में। करंट अपडेट ये है कि भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे घाट पुल का निर्माण कर रहा है। घाट पुल का निर्माण का मतलब है कि वह पिलर पर ही बनेगा, वो पुल इस प्रकार से पिलर पर ही बनेगा। तो कौन से राज्य में निर्माण कर रहा है, तो वह राज्य है मणिपुर। मणिपुर जिसकी राजधानी है इम्फाल, इम्फाल जिसकी राजधानी है, और ये पूर्वोत्तर भारत के अंदर पड़ने वाले सेवन सिस्टर्स में से एक राज्य है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, इस पिलर के बारे में। पिलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड टॉलेस्ट पिलर ब्रिज इन मणिपुर, इस प्रकार से वह निर्माण किया जाएगा। इन पुलों पर यह रेलवे ब्रिज निर्माण किया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या है इसकी खासियत और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसकी ऊंचाई क्या है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, तो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, लिख देते हैं यहाँ पर, यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय मंत्रालय, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय मंत्रालय के अधीन ये काम कर रहा है, यानी कि जो इसका कोई काम चल रहा है वही इसी मिनिस्ट्री के थ्रू काम चल रहा है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, वर्ल्ड टॉलेस्ट पिलर ब्रिज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर, उत्तर पश्चिमी जो राज्य है मणिपुर उसके अंदर यह इजाई नदी के ऊपर नोनी टू इम्प्रूव बेटर कनेक्टिविटी द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो उत्तर पश्चिम ओ सॉरी ये उत्तर पश्चिम नहीं है, इसको थोड़ा रुको एक मिनट, ये उत्तर पश्चिम नहीं है, उत्तर पूर्व क्षेत्र जो है उत्तर पूर्व क्षेत्रीय मंत्रालय, इस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और इजाई नदी पर यह कर रहा है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कनेक्टिविटी आपस में जो जो राज्य हैं उनको जोड़ने का यह काम करेगा, उनको बेटर करने के लिए यह जो पुल है उसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब इसकी देखो टोटल लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज विल बी 703, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं हम 703 हो जाएगी इसकी 703 मीटर। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है इसकी 141 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई, 141 मीटर ऊंचाई इसकी ऊंचाई है, यहाँ पे देख सकते हैं 141 मीटर ऊंची है। टॉल ब्रिज रिक्वायर्ड स्पेशल डिजाइन स्लिप फॉर्म टेक्निक के माध्यम से इसको बनाया गया है। और ये जो इसका काम कंप्लीट हो जाएगा वो मार्च 2022 के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा ये ब्रिज। तो याद रखिएगा इसकी लंबाई 703 मीटर है और ऊंचाई 141 मीटर है। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में भी। तो ये तो मैंने बता दिया कि 141 मीटर है इसकी, और याद रखिएगा ये इजाई रिवर है और नोने यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, ये नोने डिस्ट्रिक्ट है। नोने प्रोजेक्ट के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ पे याद रखिएगा जिरीबाम तुपुल इम्फाल, इस नाम से ये प्रोजेक्ट है, यानी कि इन क्षेत्रों को ये जोड़ेगा। द ब्रिज इज ए पार्ट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, जिरीबाम
पुल इम्फाल को ये जोड़ने की ये प्रोजेक्ट है इसी नाम से, तो यह जो नाम है वह नोनी प्रोजेक्ट के नाम से है, जो 111 किलोमीटर बनेगा ये ब्रिज। द टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज विल बी 703 मीटर। ये तो पूरा प्रोजेक्ट है और ये जो ब्रिज है 703 मीटर का होगा, ठीक है। और ये स्लिप फ्रॉम टेक्निक के माध्यम से इसको डिजाइन किया गया है, पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए, इंश्योर करते हुए, इफिशियंटी के आधार पर इसको बनाया गया है। हाइड्रोलिक के माध्यम से, यूजिंग हाइड्रोलिक एगर्स के माध्यम से इसको बनाया गया है। तो ये तो बता दिया कि जय नदी पर बन रहा है फ्लोर ब्रिज। और यहाँ पे जो बात करें हम, हाँ जो ये हम बात कर रहे थे, इट विल बी सरपास तो एग्जिटिंग रिकॉर्ड 139 मीटर ऑफ माला रिजिका वेडक्ट मॉन्ट्रियागो इन यूरोप। मॉन्ट्रिया यानी कि यूरोप के अंदर मॉन्ट्रिया जो शहर है वहाँ पर 139 मीटर का ब्रिज है माला रेजिका वाइडक्ट, उसको यह उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रिया के अंदर माला रेजिका वाइडक्ट जो रेलवे ब्रिज है वह कहाँ पे स्थित है, तो वह यूरोप के अंदर स्थित है मॉन्ट्रियागो यूरोप में, उसको ये इसका रिकॉर्ड ये तोड़ देगा, याद रखिएगा। ये मारांचिंग विलेज में है, नोनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये 65 किलोमीटर वेस्ट में है, 65 किलोमीटर वेस्ट में है इम्फाल के अंदर, तो ये याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इसमें ये भी याद रखिएगा जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, वह इस ब्रिज के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 45 टनल है, यानी कि 45 सुरंग है, सुरंग 45 सुरंग है, याद रखिएगा। तो सबसे ऊंचा रेलघाट पुल का निर्माण किया जा रहा है मणिपुर में। रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का हिस्सा होगा, जो पूर्णतः पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। एक ये ब्रांड गेज लाइन का हिस्सा होगा। वर्तमान में यूरोप में मॉन्टेनेग्रो के निर्मित 139 मीटर ऊंची माला रेजिका वायोडक्ट के पास सबसे ऊंचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा ये, ठीक है। अभी तो ये है, लेकिन अभी ये 2 मार्च 2022 में इसका निर्माण हो जाएगा, उसके बाद में ये भारत का सबसे ऊंचा, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।